नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं के भारत में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की ओर। श्रावस्ती में युवक की हत्या कर खेत में फेंका शव। देखे श्रावस्ती से हमारे संवाददाता पंकज कुमार तिवारी की एक खास रिपोर्ट। श्रावस्ती के एकौना थाना क्षेत्र में सेमगढ़ा ग्राम पंचायत के लोनियन पूर्वा में बुधवार को सरसों के खेत में बिना कपड़ों के एक अधेड़ भट्टा मजदूर का शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान अंगनू गोरिया के रूप में हुई है। पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए शव को कब्जे में लेकर इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं इस मौके पर एकौना के सीओ महेंद्र शर्मा तथा प्रभारी निरीक्षक ज्ञानेंद्र पांडे घटना स्थल पर पहुंचे हैं। पुलिस ने मृतक के पूछताछ की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। अंगनू पुत्र बाबा दिन जो लोनियन पूर्वा के निवासी हैं, ये भट्टे पर काम करते थे। इनकी डेड बॉडी सेमगढ़ा के पास एक सरसों के खेत में मिली है, जिस पर चोट के निशान भी हैं और इसमें अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, यहाँ पर पहुँचे आप लोग क्या लग रहा है? ये प्रथम दृष्टया हत्या का ही मामला लग रहा है और FIR पंजीकृत करके कार्रवाई। श्रावस्ती में दबंग भू माफियों ने किया अवैध कब्जा। देखे श्रावस्ती से हमारे संवाददाता पंकज तिवारी की एक खास रिपोर्ट। जनपद के विकास क्षेत्र हरिहरपुर रानी के अंतर्गत ग्राम पंचायत पतंजिया के मजरा लवकी पूर्वा के मोहम्मद उमर ने ईंट और फूस के बने मकानों पर असरफी पुत्र मुस्तफा ने जबरन कब्जा कर लिया है। जब इस बात की खबर ग्रामीणों को पड़ी तो उन्होंने मोहम्मद उमर को न्याय दिलाने के लिए जिला अधिकारी बिनगा को प्रार्थना पत्र देकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले में बताया जा रहा है कि अमीरों पति फरुखुद्दीन ने अपना ईंट का पक्का मकान और फूस का कच्चा मकान 50,000 में मोहम्मद को उमर के हाथों में बेच दिया था, लेकिन कुछ दिन बाद दबंग मुस्तफा ने इस खरीदी हुई जमीन पर कब्जा कर लिया। नमस्कार, के भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ हूं पंकज तिवारी, एक अहम और बड़ी खबर को लेकर आपके बीच में हाजिर हुए हैं। अभी हमारी टीम मौजूद है जनपद श्रावस्ती के विकास खंड हरिहरपुर रानी गांव पतिजिया के मजरा लौकी पुरवा में, जहां की तस्वीर दर्शकों को दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि दिखाएं इधर सामने ये मकान जो फूस का बना हुआ है। ये कहना है इन लोगों का, इस मकान को जला दिया गया था, जिस तरह तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि कोई यहां पे ऐसा चिन्हित चीजें नहीं दिख रही है कि जिससे मकान जलाया गया हो, लेकिन कहीं न कहीं दूसरी तरफ ये भी आरोप है कि कुछ दबंगों के द्वारा इनकी मकान पे कब्जा, जबरन कब्जा कर लिया गया है और कुछ आवास बना हुआ था जो इनको मिला हुआ था, प्रधानमंत्री आवास जिसके तहत मकान बनवाए थे, उसको भी जबरन कब्जा कर लिया गया है। जिस तरह यहाँ पे दबंगई की तस्वीरें सामने आ रही है, ज्यादा जानकारी के साथ हम ले चलेंगे। और हमारे बीच में है जिनका ये मकान था और जो रह रहे थे काफी दिनों से, क्योंकि मीडिया के पड़ताल में ये भी पाया गया है कि कुछ ऐसे कागजात, कुछ गांव वालों ने ये दस्तावेज पेश किया है कि कई सालों से ये लोग यहाँ रह रहे थे और निजी मकान इनका था, लेकिन कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है। ले चलेंगे इनके पास, पूछेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। आपका नाम क्या है, आगे आ जाइए। मोहम्मद उमर जी, जानकारी चाहेंगे ये मकान पे कितने दिन हो गया कब्जा हुआ है? 15 दिन हुआ साहब कब्जा हुआ। आप 15 दिन हो गया, इससे पहले आप लोग कहाँ रह रहे थे? भिनगा थाने में हमें बंद किए थे। नहीं, रहते कहाँ थे आप लोग? यहीं पे रहते थे। तो ये कैसे कब्जा कर लिए? जबरदस्ती कब्जा कर लिए ना, और क्या। क्या उस घर में कोई महिला, कोई बच्चे, कोई थे नहीं घर में? हमारी बिटिया थी, महिला थी, दो लड़की थी। जिस तरह तस्वीरें बराबर दर्शकों को दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, जहां पे जिस तरह एक जमीन पे, एक असहाय व्यक्ति के जमीन पे जिस तरह जबरन कब्जा कर लिया गया है अवैध रूप से, जहां पे सरकार एंटी भूमाफिया टीम रखकर पूरे उत्तर प्रदेश के हर जनपद में जो दबंग लोग कब्जा कर रखे हैं उनके खिलाफ एंटी भूमाफिया द्वारा कार्रवाई करवाने में जुटी हुई है, वही दूसरी तरफ जो हम शर्मनाक तस्वीरें श्रावस्ती की दिखा रहे हैं, जहां पे भूमाफियाओं का कब्जा देखने को मिल रहा है। और भी हमारे बीच में बच्चे भी हैं और महिलाएं भी, इनके पास भी ले चलेंगे। बेटा, नाम क्या आपका? चांद तारा। चांद तारा, ये बताइए मकान कैसे जला? मकान सब उजाड़ के बतौर के यहाँ पे जलाया। अच्छा, आप लोग कहाँ थे? अच्छा, ये जो कब्जा कर रखे है इनका नाम क्या है? मुस्तफा नाम है। और भी हमारे बीच में हैं
लोग आप भी थोड़ा आगे आए। आपका नाम क्या है? अख्तर राजा जी, ये मकान, ये बताया गया है, आपके परिजनों ने बताया, आरोप लगाया है कि ये मकान जलाया गया और कब्जा कर लिया गया, आप क्या कहेंगे इस पे? इसमें कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री से मेरा यही सहयोग है कि जितने से भी हो सके उतने मेरे लिए न्याय का फैसला करने का सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह तस्वीरें बराबर दर्शकों को दिखा रहे श्रावस्ती की, हम कैमरा पर्सन चाहूंगा कि ले चले वहाँ उस मकान तक, दिखाएं जो मकान प्रधानमंत्री आवास मिला हुआ है और प्रधानमंत्री आवास जो बेच दिया गया है। ये आरोप है कि इनके ही कुछ परिजन ने जो है इस मकान को बेच दिया है और ये मकान अभी भी बना हुआ। हम ले चलेंगे और कैमरा पर्सन हमारे दिखाएंगे, लेकिन इस मकान पे दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। ये मकान है जो बना हुआ है, ये प्रधानमंत्री आवास मिला था और इस मकान को इनके ही परिजन ने शायद बेच दिया है। डबल लिख दिया गया है स्टाम्प पेपर पे और जिसकी वजह से विपक्षी ने इस जमीन पे कब्जा कर लिया है, इस मकान पे भी कब्जा कर लिया है। यानी कहीं ना कहीं दबंगई सामने आई है। बच्चे छोटे छोटे घर में थे लेकिन उनको भी बाहर कर दिया गया और दबंगई से इस जमीन को कब्जा कर लिया गया। अब देखना यह है कि इस खबर को चलने के बाद प्रशासन ऐसे दबंगों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करता है, ये तो देखने वाली बात होगी। के भारत न्यूज से पंकज तिवारी, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश। संबल में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, देखे संबल से हमारे संवाददाता सतीश सिंह की एक खास रिपोर्ट। संबल के राजपुरा थाना के गांव जतोरा में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उसके परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। बता दें कि 3 वर्ष पूर्व महिला की शादी हुई थी। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए के भारत।